बेटा कृपया मेरी कंपनी वाले ये व्लॉग ना देखें और इसकी हमको जरूरत नहीं है। 25 लाख की गाड़ी में हम जाएं। जंप पे सूट है ये ऐसा लग रहा है मेरे कमोड का ढक्कन है ये। भाई साहब काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं रुका हूँ धनगांव में और एक्चुअली क्या हुआ है अभी हमारे यहाँ अभी एक घटना घटी है। मनगट्टा एक हमारे यहाँ जगह है जहाँ पे ऐसी बच्चे लोग खड़े थे वहाँ पे बिजली गिर गई थी तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को यहाँ पे खड़े होने में। बट फिर भी इतनी बारिश बहुत तेज़ हो रही है उसकी वजह से मैं रुका हूँ और मेरे को यहाँ पे भी छोटा सा वो मिल गया है एक टपरी जैसा तो वहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है। अक्सर एक चीज़ याद रखना जब भी ऐसा कोई थंडर स्टॉर्म का मौसम आए तो कहीं भी ऐसा जगह ना रुके जहाँ पे आपको पेड़ मिले। जी हाँ, पेड़ के आसपास से दूर रहना है और पेड़ से आपको कम से कम 10 फीट की 10 मीटर की जो दूरी है वो कम से कम आप उसके आसपास नहीं खड़े होना है। अभी मैं इधर से सुकुलदेहान साइड से निकला था, ये धनगांव है, इसके बाद मेरे को जाना है आगे मेरे साइड पे जो कि आगे रेलवे फाटक पड़ता है वहाँ पे जाना है। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। मौसम अभी 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब चल रहा है क्योंकि कल भी बहुत तेज़ बारिश हुई, आज भी हो रही है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि नवरात्रि आ गई अभी तक बारिश ख़त्म नहीं हुई। और देखो नवरात्रि के बाद फिर दिवाली आएगी, दिवाली में भी अगर सेम यही रहा तो पूरे देखो सबसे बड़ा चीज़ होता है मार्केट डाउन हो जाता है पब्लिक का और जो मेन चीज़ होता है जो त्यौहार का जो उत्साह रहता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो जितना इन्जॉयमेंट है वो सब के लिए ये बारिश थोड़ा रुकनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से मतलब इस टाइम हमारे देश में या मैं बोलूँ कि छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी बारिश हो रही है। इनफैक्ट के जो कि जुलाई से जो स्टार्ट हुई है बारिश वो अभी सितंबर तक अभी चली रही है। देख सकते हैं बारिश फिर तेज़ हो गई, बढ़ गई बारिश। तो देख सकते हो जैसा कि अभी भी मैं वहाँ पे फंसा था उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। एक्चुअली ये मेरा साइट है और अभी भी बारिश कंटिन्यू हो रही है और बारिश में भी हमारे आदमी काम कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमारा सामान आया है, इसको हम कहते हैं क्रिप्स कहते हैं, जिसके ऊपर हम यहाँ पे पियर कैप ये आप देख सकते हैं स्टेजिंग जो हम जो लगाते हैं तो वो हम यहाँ पे अनलोडिंग कर रहे हैं और बारिश हो रही है यहाँ पे। उसके बाद भी हमारे लड़के लोग बंदे लोग लगे हुए हैं और ये जो साइट है ये जो आपको जो दिख रहा है ये टावर क्रेन है और ये अपनी हमारी कंपनी की स्कॉर्पियो है। ये हम जब रहते तब हम इसमें घूमते हैं और अभी फ़िलहाल एक्चुअली देखो अभी एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊँ अभी मैं कहाँ बैठा हूँ। ठीक है, ये चीज़ अगर आप देखना चाहेंगे देखो ये है रोलर रोड रोलर। जी हाँ, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं। एक बार हमारे लिए भी देख लो, ये अपना बड़ा वाला हटा, 2 मिनट मेरे को लोग दिखाने दे। क्या लोग ऐसा स्नैप में डैशबोर्ड का फोटो डालते हैं ना, हम इसका फोटो डालेंगे इस पे। ये वाला था गुड़ 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 ये नहीं ये हमारा एक्चुअली ये हमारा डैशबोर्ड है। ये देखेंगे यहाँ पे हमारा पूरे कंट्रोल पैनल आते हैं। आपने ऐसा डैशबोर्ड कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, और ये इसके इंडिकेटर पैनल है और इससे शायद इसका लाइट ऑन होता है ना। और ये वाइब्रेशन का है, ये इससे ये वो वाइब्रेशन कंट्रोल। हाँ, ये वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेशन कंट्रोल होता है। और देखिए ये कैसे, और ये है दीपक जय सवाल जैसे भी वाल हो। हाँ, ये बताएंगे हम इस गाड़ी के बारे में डेफिनेट बताइए। ये देखिए ऐसा आपने तो कभी देखा नहीं होगा। नहीं, हमने जीवन में नहीं देखा कभी जिंदगी में। इसका डैशबोर्ड कितने क्लीन से बंद होता है ये देखिए। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, दिखाइए जरा। ये देखिए, हाँ ऐसा लग रहा है मेरे कमोड का ढक्कन है ये। कैसा हंसता है भाई। यहाँ पे हमने पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है क्योंकि ये भी गाड़ियाँ फंस गई है यहाँ पे। और खास करके दोस्तों हम भी फंसे ही हुए हैं। हम भी फंसे हैं, सभी फंसे हैं। ये इस टाइप का माहौल है, काफ़ी मज़ेदार है माहौल आज का। बारिश की वजह से पूरे काम बंद है, यही वाला एक अनलोडिंग का काम है। उसके बाद मैं जाऊंगा घर क्योंकि अब तो टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया अभी? मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। 4:40 मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। 4:40 हो चुका है, लगभग 5 बजने वाले हैं तो काम आज है नहीं, तो आज मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। जी हाँ, ये मतलब 5 बजे जल्दी है मेरे लिए क्योंकि बाकी दिन क्या होता है 7 बजे के पहले तो मैं यहाँ से हिलता नहीं हूँ। तो 7 बजे के पहले तो हम लोग ब्लॉग में तो सच बोल लो 9 बजे जाते हो रात के। अरे वो अलग बात है भाई, बताना पड़ता है, ज़्यादा नहीं बता सकते ना। नहीं तो क्या होता है ना, हम तो सैलरी से ज़्यादा ना ओवर टाइम में कमाते हैं इसीलिए। हाँ, क्योंकि 9 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, जान मुझ के लेट करते हैं क्योंकि हमको सैलरी से ज़्यादा ना ओवर टाइम बनाना है। महीने की जब सैलरी आती है तो सैलरी तो अपना अलग, ओवर टाइम का जो साला सैलरी से ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए हम लोग रात के 9-10 बजा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब
ये टॉप सीक्रेट है, कृपया मेरी कंपनी वाले ये व्लॉग ना देखें, उनके लिए ये नहीं है ये वाला व्लॉग। बाकी ठीक है, काफ़ी हरियाली यहाँ पे लगा हुआ है, खेत है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे धूप पड़ता था तो ये हमारा ऑफिस था, इसको हम हमारा ऑफिस कहते हैं, डाउनलाइन साइड का हमारा ऑफिस है ये। और हमने यहाँ पे ट्रैफिक की पूरी सत्यानाश करके रखी है। यहाँ से उतर के अभी हम चलते हैं, हमारे पूरे अनलोड हो चुके हैं और इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो चांद पे दाग। ए बाबू, ये चैनल कल गायब ना होना चाहिए, बस ये चैनल गायब नहीं होना चाहिए यहाँ पर से। पता चला रात में कोई आया, पिकअप लगाया, डाल के ले गया। कितना पीस है, थोड़ा गिनती मार कर रखो इसको। बांध पट्टा, बांध पट्टा, बांध दो इसको। ठीक है, चले बाबू घर, चलो हम चले, चलो बारिश हो रहा है, चलो भाई 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 चलो। कहाँ उठा रहा है भाई इतना, लोग बाग देख रहे हैं। फाटक बंद हो जाएगा तो, फाटक बंद हो जाएगा तो आइए हम 25 लाख की गाड़ी में हम जाएंगे उस पर। ये हमारे उस्ताद हैं। चलो उस्ताद, गाड़ी का मालिक, ओनर ऑफ 25 लाख गाड़ी। प्लाग बन रहा है, प्लाग बन रहा है भाई, पूरी दुनिया देखेगी उस्ताद आपको। तो आपके कारनामे, आपके। तो दोस्तों ये हम अभी रेलवे पटरी अभी हम पार कर रहे हैं और हमारे पीछे भी कुछ कुछ गाड़ियां हैं। चलिए, और यहां पे मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है हमारे ऑपरेटर भैया के द्वारा। नेट ऑन कर, कहाँ चालू होता है, नेट ऊपर से चालू होगा ना? नहीं चालू, इसलिए फ्लाइट मोड में डाल के रखे थे। एक्चुअली यहां पे क्या, यहां पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बादल गरज रहा था, उसके वजह से भैया ने फोन को फ्लाइट मोड में डाल के रखा था। उस वजह से अभी नेट नहीं चल रहा, अभी इनका नेट अभी चलेगा, हम अपना चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे और कल ये वीडियो हमको। वो डबल सिम है ना, उतर रहा हूँ, उतर रहा हूँ, वो तो देखना पड़ता है ना मेरे को। ओके, तो ये हमारे भैया हेलो करो। अब बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, मैं सोच रहा हूँ मैं घर कैसे जाऊँ। हालांकि मैं रेनकोट तो लाया हूँ और रेनकोट लेके आया हूँ, लेकिन देखता हूँ पहनते बनेगा कि नहीं। इंजीनियर साहब, सीनियर सुपरवाइज़र, सीनियर ऑपरेटर। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे नदी नाले के बीच देख सकते हैं, यहाँ पे नाला और हम नाले में मस्ती करते हुए। ऐसा नाला है कि इसमें अपन लोग मस्ती कर रहे हैं। और तू नहा ले वहाँ पे। जादू, जंप जंप, स्पेस सूट है ये। आज जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे शुक्ला जी इस समय नदी नाले में बहते हुए हैं। ये देखिए हमारे शुक्ला जी। ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ अगर आपने गौर किया, ठीक है। मैं बारिश हो रहा था तो मैंने, अरे थोड़ा पास आंदे, बारिश हो रहा था तो मैंने रेनकोट भी लिया था और ये मेरे उसका बैग का भी कवर है ये, तो ये भी मेरे काफ़ी अच्छा बैग, मतलब बैग को बचा देता है बारिश से। ठीक है भाई, हो गया, चलें, चलो काफ़ी हो गया, अब ब्लॉग पे यहीं एंड करते हैं, गाड़ी स्टार्ट की जाए। ओके, ब्लॉग यहीं हम एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपके लिए हम ऐसी अनोखी अनोखी वीडियो लाते हैं, बारिश में भीगते हैं, नदी में नहाते हैं, नाले में नहाते हैं आपके लिए। बाय बाय दोस्तों।